फ्रेंड्स, मैं हूं मनमोहन शर्मा और आप देख रहे हैं एवरी न्यूज। दोस्तों, YouTube शुरू करने के बाद जो सबसे ज़्यादा मेरे से कोई सवाल पूछा जाता तो वो ये है कि भाई एक लाइक का पैसा कितना मिलता है, या फिर हम एक सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं तो उसका कितना पैसा हमें YouTube देता है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये बेसिकली इसी बारे में है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें पैसा मिलता कैसे है। दोस्तों, जो YouTube है वो ना तो हमें किसी लाइक का पैसा देता है, ना ही किसी सब्सक्राइबर का, और ना ही किसी कमेंट या शेयर का। जो पैसा होता है दोस्तों, वो मिलता है हमें केवल एड का। जैसे कि कोई टीवी चैनल वर्क करता है, जो उस पर प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, उससे उसे कोई इनकम नहीं होती, बल्कि इनकम होती है उस एडवर्टाइज़र से जो उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा होता है, या फिर जो बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उन एडवर्टाइजमेंट से चैनल को पैसा मिलता है दोस्तों, वहाँ से उसकी इनकम होती है। ऐसा ही सेम है यूट्यूब के साथ। जब भी आपको यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस वीडियो पे ऐड आता है। जब आप वीडियो शुरू करते हैं तो एक ऐड आता है जो या तो स्किपेबल होता है या फिर आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो वो जो ऐड होता है, इसी तरह के एड्स कई सारे वीडियोस में केवल दो एड्स होते हैं जो शुरुआत में या फिर लास्ट में होंगे, या फिर कई सारे एड्स भी हो सकते हैं जो एड्स या तो किसी वीडियो के रूप में हो सकते हैं या फिर आपको अलग अलग तरीके से एड शो हो सकते हैं। और वो जो एड शो होते हैं उसका पैसा यूट्यूब उस यूट्यूबर को देती है दोस्तों। तो ये था बेसिक फंडा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, जो आप एड देख रहे हैं उस एड का केवल यूट्यूब को यूट्यूब हम लोगों को पैसा दे रहा होता है। तो ये जो अभी तक मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में था कि आपको एक लाइक कर दिया तो कुछ पैसा मिलेगा, एक चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया तो पैसा मिलेगा, तो ये सही नहीं है। जो लोग YouTube से जुड़े हुए हैं, मतलब YouTube पर जो काम कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जब से मैंने YouTube का काम शुरू किया तब से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है इस बारे में, तो मैंने ये वीडियो बनाया। दोस्तों, ये YouTube है वो हमें पैसा देता है एक पूरी प्रोसेस के तहत। मतलब जब आप YouTube पर अपना चैनल रजिस्टर करते हैं, तो अभी कुछ नियम बदल गए हैं। जो करीब एक साल पहले जब मैंने YouTube शुरू किया था तब जो नियम थे वो अलग थे, और आज अगर आप YouTube चैनल शुरू करते हैं तो कुछ आपको नियम अलग मिलेंगे। बेसिकली अंतर ये है कि आपको थोड़ा सा उस प्रोसेस को टफ बना दिया है कि आप YouTube से अर्निंग कर सकें। पहले जो था, जो मतलब जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था YouTube से आपको अर्निंग करने का, वो कुछ हद तक कम मतलब कुछ हद तक आसान था। अब वो थोड़ा सा कठिन हो गया है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत आती है नया चैनल शुरू करके उसको मोनेटाइज करने पे। जब तक आप मोनेटाइज नहीं करेंगे वीडियोस को, तब तक आपको यूट्यूब के ज़रिए पैसा नहीं मिलेगा। मोनेटाइजेशन का मतलब ही है कि आप यूट्यूब से कहें कि आप हमारे वीडियो पे ऐड चलाइए और उसका पैसा जो भी शेयर आता है वो हमें दीजिए। दोस्तों, जो पैसा मिलता है वो अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप बात करें USA में, अगर आपका वीडियो देखा जा रहा है तो वहाँ पे जो ऐड आएगा, जो ऐड को जो देखा जाएगा, अभी अगर देखें तो मान लीजिए अगर आपको इंडिया में एक पर्टिकुलर ऐड देखने के लिए, मतलब आपकी वीडियो पर कोई पर्टिकुलर ऐड आ रहा है, तो उसके लिए आपको $1 मान लीजिए मिल रहा है, इतना नहीं मिलता है, मान लीजिए $1 मिल रहा है, तो उसकी रेट एक मैं अजम्पशन बता रहा हूँ, USA में जो वही ऐड अगर दिखाया जाएगा तो उस की रेट में अंतर इतना होगा कि यहाँ पे आपको इंडिया में $1 मिल रहा है और USA में $8 मिल रहा है। तो दोस्तों, इतना अंतर होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की। अगर हम बात करें मोनेटाइजेशन के जो रेट्स हैं उसके बगैर हम बात करें तो काफ़ी अंतर हो जाता है कई बार। तो यदि आपका वीडियो USA में चल रहा है तो आप एक अच्छी खासी इनकम करेंगे, और अगर यहाँ चल रहा है और आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मुझसे जो बहुत सवाल पूछा गया है वो ये है कि मैंने अभी तक कितना पैसा कमाया, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने कुछ खास काम नहीं किया है YouTube पर, कुछ थोड़े बहुत वीडियोस डाले हैं और समय देना पड़ता है हर जगह, मैंने यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं दिया है अपनी व्यस्तताओं के कारण। फिर भी मैंने सितंबर 17 से शुरू किया था, तब से अभी तक मैंने $200 करीब कमा लिए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। $200 से यूट्यूब से कमा लेना बिना कोई समय दिए तो ये ठीक चीज़ है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि यूट्यूब का काम शुरू करें तो, और अगर आप उसमें समय दे सकते हैं, अगर आपका मन है, मतलब आप चाहते हैं इंटेंशनली YouTube में काम, YouTube के साथ काम करना, तो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पैसा तो मिलता ही है। और ये मुझे जो लगता है वो ये है कि रॉयल्टी टाइप की इनकम है। आपने एक वीडियो डाल दी और बस वेट एंड वॉच, आप बैठिए और देखते रहिए कि कौन कहाँ पे देख रहा है, कहाँ से कितनी अर्निंग हो रही है, वीडियो ट्रेंडिंग है या नहीं है, और बहुत सारी बातें होती हैं। तो
मैंने करीब $200 कमा लिए हैं। मेरा जो पहला पेमेंट आया था वो $108 का पेमेंट हुआ था, और जो पेमेंट थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड मतलब वो एक लेवल जहाँ पे पहुँच के आपको YouTube पेमेंट करता है, तो वो होता है $100 का। जब भी आपके अकाउंट में, अकाउंट इन द सेंस जो एडसेंस अकाउंट है, एडसेंस गूगल का एक प्रोडक्ट है जो ये सब मॉनिटर करता है कि आपको कब कितना पैसा दिया जाना है, क्या रेट्स हैं आपको दिए जाने के, कि आपका शेयर है और आपके वीडियोस पे कौन से ऐड आने हैं, किस टाइम ऐड आने हैं, कितने बड़े ऐड आने हैं, ये सब मॉनिटर करता है एडसेंस, जो कि गूगल का एक प्रोग्राम है। तो एडसेंस अकाउंट में जब आपका पैसा हो जाएगा $100, मिनिमम $100 चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, मिनिमम $100 जब आपका हो जाएगा, तो जो आपने पेमेंट मेथड ऐड कर रखे हैं उस अकाउंट में, एडसेंस अकाउंट में, पेमेंट मेथड से मेरा मतलब है कि आप किस तरीके से गूगल से पैसा लेना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ, तो USA से जब पैसा मुझे मिलता है गूगल से, तो वो वायरलेस मोड से मिलता है, और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स यही प्रेफर करते हैं कि वो वायरलेस मोड से लें। इससे होता क्या है कि जो भी आपका थ्रेशोल्ड है उस लेवल पर आप पहुँचे, उसके बाद सीधा आपके अकाउंट में, जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें पैसा पहुँच जाता है। दोस्तों, जब पहला पेमेंट लेने की बात आती है तो उस पर कुछ सर्टेन प्रोसेस जो फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि जब आपने कोई YouTube चैनल शुरू किया तो उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन के लिए पहली बात तो एलिजिबल होना चाहिए। मोनेटाइजेशन अगर मान लीजिए ऑन हो गया है आपका, और जब आप पहला पेमेंट थ्रेशोल्ड प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जब आपका लेवल $100 तक आपका पेमेंट पहुंच जाता है, तो उसके बाद आपको पहला पेमेंट मिलेगा। पहला पेमेंट प्राप्त करने के लिए जो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है वो ये होती है कि गूगल आपको USA से एक पिन भेजता है, वो पिन आता है बाय पोस्ट, ये वेरीफाई करने के लिए कि आपका एड्रेस जो आपने मेंशन किया है अकाउंट में वो सही है या नहीं। अगर वो पिन आपको नहीं मिलता है तो गूगल के पास 3 बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, टोटल 3 बार आपको पिन भेजा जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन वो भी हो जाती है। तो वहाँ से आपको जब पिन मिलेगा, वो पिन आपको अपने गूगल अकाउंट में ऑनलाइन डालना है यूट्यूब अकाउंट में, और जब आपका पिन वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है पहला पेमेंट आपका मिल जाएगा, वो मिलता है वायरलेस के ज़रिए। तो दोस्तों, मैंने अपनी यूट्यूब अर्निंग रिवील कर दी। $108 मुझे मिले थे, जो कि इंडियन करेंसी में अगर हम चेंज करें तो वो थे ₹7,143, तो एक डेट मुझे याद नहीं किस टाइम आया था। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनका थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।